लोकसभा चुनावों में अब ज्यादा देर नहीं है, इसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी चुनावी रणनीति बनाने में लगी हुई हैं। इसी बीच चुनाव आयोग की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा और उनकी पार्टी के लिए एक गुड न्यूज आई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 और आपके साथ मैं हूं खुशबू झा। चुनाव से पहले उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को मंजूरी दे दी गई है और अब उनकी पार्टी को राष्ट्रीय लोक जनता दल की जगह राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नाम से जाना जाएगा। पुराने नाम को लेकर चुनाव आयोग ने कहा कि ये नाम कई पार्टियों के नाम से मिलता जुलता है, तो पार्टी कोई और 3 नाम बताए। इसके बाद कुशवाहा की पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोक मोर्चा तय किया गया। उसका बहुत महत्व नहीं था लेकिन क्योंकि घटनाक्रम मिल जाता है। कई लोगों ने कहा कि 3 शब्द से अगर होता तो ज्यादा अच्छा था, राष्ट्रीय लोक जनता दल थोड़ा 4 हो जाता है उसमें सब, तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा उसी रूप में लोग जो चाहते थे, हमारे साथी भी कई लोग, तो उस तरह से जो यह पार्टी अब रजिस्टर्ड हो गई है, बस इतनी जानकारी आपको देनी थी। राष्ट्रीय लोक मोर्चा कहने में भी आसान है, सुनने में भी आसान है, काम करने में भी आसानी होगी और बिहार देश भर लेकिन खासकर बिहार की जनता के भविष्य को संवारने का काम पूरे संकल्प के साथ, खास करके जो हमारा नारा है जय किसान जय नौजवान, तो इस थीम पर हमारी पार्टी काम कर ही रही है। आगे अब इसी नाम से राष्ट्रीय लोक मोर्चा नाम से हमारी पार्टी काम करेगी। इंडिया गठबंधन का हिस्सा हम सब लोग हैं ही, अब लोकसभा का चुनाव सामने है तो लोकसभा चुनाव में भी इंडिया गठबंधन के हिस्सेदार के रूप में हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। सीएम नीतीश कुमार के महागठबंधन के साथ जाने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू से नाता तोड़ लिया था और अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल बनाई थी। अब जब पार्टी को नया नाम मिला है तो कुशवाहा की पार्टी इसी नाम से आगामी लोकसभा के लिए चुनावी मैदान में नजर आ सकती है।